1966 में आज ही के दिन हमारे उन नेताओं ने जिस सोच के साथ ये हिंदी भाषी क्षेत्र बनाया, मैं मानता हूं कि 57 साल के सफर में ये प्रदेश इस देश के अग्रणी राज्यों में से एक बना। मंच पर विराजमान प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, बहुत ही आदरणीय जस्मा देवी जी, हमारे बीच में मौजूद जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह जी, कुलदीप बिश्नोई जी, मंच पर विराजमान कैबिनेट में हमारे साथ अनिल वेद जी, जेपी दलाल जी, चौधरी रंजीत सिंह जी, बनवारी लाल जी, अनूप जी, मंच पर बैठे प्रदेश भर के सांसदगण, विधायकगण, सम्मानित दोनों संगठनों के पदाधिकारीगण, मेरा छोटा भाई और आप सबका लाडला आपका भावी विधायक भाई भव्य जी, और आदमपुर हल्के के मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं बहनें, युवा साथी और खास तौर पर नाना नानियों, मामा मामियों, आदमपुर का एक रिश्ता मेरे साथ भी बेहद करीबी है और निरंतर आप सब ने उस रिश्ते को मजबूत करने का काम किया। और मैं तो अभी आते आते देख रहा था कैप्टन अभिमन्यु जी भी बैठे हैं, इनका भी रिश्ता आदमपुर के साथ बराबर का ही है। और मैं तो उम्मीद करूंगा कि जिस प्रकार से आज आदमपुर ने एक मन बना रखा है, उस ताकत को और मजबूती के साथ अगले 48 घंटे